गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर पढ़ा रही हूँ। आज का लेक्चर 31st लेक्चर है, यानी कि 31वां लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर है मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप पार्ट सेकेंड, यानी हम मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप स्टार्ट करा चुके थे। पिछले जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने इसको स्टार्ट कराया था, जिस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल स्टेप यानी विभव सीढ़ी किसे कहते हैं, इसके बारे में बात की थी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से यदि हमारे पास एक बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसकी एनर्जी ई है और वो ई एनर्जी पोटेंशियल स्टेप की हाइट वी ज़ीरो से यदि कम है तो किस प्रकार से वह पार्टिकल्स जब पोटेंशियल स्टेप पर इंसिडेंट होंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन उसकी ज्ञात की। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बढ़ा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर जिन बच्चों ने अभी वो लेक्चर अभी नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को अच्छे से करें, उसके बाद ही आप ये वीडियो आप समझ पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम रिफ्लेक्शन कोफिशेंट कैलकुलेट करना आपको सिखा रहे हैं। पिछले जो वीडियो था जिसमें हमने वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप के बारे में आपको बताया था उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वापस से रिवाइज करवा रही हूँ कि पोटेंशियल स्टेप किसे कहते हैं। दिस इज़ अ पोटेंशियल स्टेप, इसे बोलते हैं हम पोटेंशियल स्टेप यानी विभव सीढ़ी जिसकी हाइट क्या है, वी ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स का मान ज़ीरो है जब एक्स लेस देन ज़ीरो है, यानी जब एक्स लेस देन ज़ीरो है यानी ये साइड, इसको हम रीजन वन कहते हैं। इसी प्रकार से एक्स ग्रेटर देन वी ज़ीरो, ये एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, बेटे यहाँ पर करेक्शन कर लेना, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तब वी एक्स का मान क्या है, वी ज़ीरो है, इसे हमने रीजन सेकंड कहा है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल स्टेप किसे कहते हैं, पोटेंशियल स्टेप की वैल्यू। इसको मैं वापस से कह रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों करेक्शन कर लेना, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्लियर। तो इसको एक बार करेक्शन कर लेना, वी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब x लेस देन ज़ीरो है, इसे रीजन वन कहा है। जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो रीजन सेकंड है जहाँ पर पोटेंशियल का हाइट का जो वैल्यू है वो क्या है, वी ज़ीरो है। अब यदि एक बीम ऑफ पार्टिकल्स है जिसकी एनर्जी e है और वो e एनर्जी वी ज़ीरो से कम है तो इस प्रकार से ये इंसिडेंट होती है इस पोटेंशियल स्टेप पर। तो इसकी हमने पोटेंशियल डिफरेंश सॉरी श्रोडिंगर इक्वेशन ज्ञात करी थी रीजन वन की और रीजन टू की। उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस लगाने के बाद हमने वेव फंक्शन ज्ञात कर लिया था रीजन वन में भी और रीजन टू में भी। सो रीजन वन के अंदर जो वेव फंक्शन है वो है आपका साई वन एक्स, किसके लिए, ई लेस देन वी ज़ीरो के लिए, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर, ए इंटू e की पावर आई के एक्स प्लस के माइनस अल्फा ओवर के प्लस आई अल्फा e की पावर आई के एक्स, जहाँ a e की पावर आई के एक्स को हम कहते हैं इंसिडेंट वेव और k a k माइनस अल्फा ओवर k प्लस आई अल्फा e की पावर माइनस आई के एक्स को कहते हैं रिफ्लेक्टेड बीम, यानी ये b की वैल्यू है, दिस इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ b है। और साइड टू एक्स बराबर हो गया डी ई की पावर आई के एक्स था, जहाँ डी का मान क्या आ गया, ए इंटू टू एल्फ़ा ओवर के प्लस आई एल्फ़ा इंटू ई की पावर माइनस आई के एक्स, यह आ गया आपके पास आई टू एक्स जो रीजन टू के अंदर वेव फंक्शन है। यहाँ जो के का मान है वो अंडर रूट टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है और एल्फ़ा का मान है टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी ज़ीरो माइनस ई, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर ज्ञात कर चुके थे। उसके बाद है आज का है आर्टिकल हमारा स्टार्ट होगा वो है आपका रिफ्लेक्शन कोफिशेंट से, यानी परावर्तन गुणांक क्या होता है। परावर्तन गुणांक द रिफ्लेक्शन कोफिशेंट आर इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ पार्टिकल्स टू द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी
फॉर द इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखना, एक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, एक प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होता है, हाँ दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू साई स्टार साई हैं, और जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है उसमें इसको यदि हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाती है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। सो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट आर है, जिसे परावर्तन गुणांक कहा है, वह बराबर होता है रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, है ना। इन दोनों का जो रेशो है वो कहलाता है हमारा परावर्तन गुणांक। अब हमने इसकी वैल्यू रख दी है, इसकी वैल्यू हो गई कि अब आता है कि जो रीजन रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, आपका फर्स्ट रीजन के अंदर हो रहा है। रिफ्लेक्शन कहाँ है, क्योंकि पार्टिकल कहाँ आ रहे हैं, रीजन वन से इंसिडेंट हो रहे हैं। रीजन वन में पार्टिकल आए, इससे टकराए, टकराने के बाद कुछ पार्टिकल हमारे क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट वेव दोनों ही किस में हैं, रीजन वन के अंदर हैं। और लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन रीजन वन इज़ वी वन, सो रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कम्स आउट टू बी, ये बराबर बन गई हमारी वी वन साई वन स्टार, किस में है, रिफ्लेक्टेड है, क्या है ये, रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। तो ये बन गया हमारा वी वन इंटू साई रिफ्लेक्टेड स्टार एंड साई रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, बराबर हो गया वेलोसिटी का है फर्स्ट रीजन के अंदर वी वन ही है, तो वी वन रहेगी वी वन इंटू साई स्टार इंसिडेंट इंटू साई इंसिडेंट, ये हो गई आपकी इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब वी वन और वी वन क्या है, दोनों सेम है, कट जाएंगे आपस में, और आपके पास क्या आ गया, साई रिफ्लेक्टेड स्टार और साई रिफ्लेक्टेड अपॉन साई इंसिडेंट ओवर साई इंसिडेंट, साई स्टार इंसिडेंट ओवर साई इंसिडेंट। अब इसको हम बी अपॉन ए का मॉडुलस भी लिख सकते हैं, स्क्वायर बी अपॉन ए मॉडुलस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और हम बी की वैल्यू और ए की वैल्यू सीधे रख सकते हैं। अब बी की वैल्यू क्या है, आपने यहाँ से पढ़ा है कि बी की वैल्यू क्या है, ए इंटू के माइनस एल्फ़ा, बी की वैल्यू क्या है, ए इंटू के माइनस एल्फ़ा ओवर के प्लस आई एल्फ़ा, ये वैल्यू है बी की। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, नीचे आ गया आपके पास ए, ए से ए कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया के माइनस आई एल्फ़ा ओवर के प्लस आई एल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, इसके हम इसको मॉडुलस को जब हम लिखेंगे तो आप इसका क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऊपर आपके पास क्या आ गया, के माइनस आई एल्फ़ा, के माइनस आई एल्फ़ा का मॉडुलस हो गया के प्लस आई एल्फ़ा डिवाइडेड बाय के प्लस आई एल्फ़ा, और के प्लस आई एल्फ़ा का मॉडुलस हो गया के माइनस आई एल्फ़ा। अब जब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, आप देख रहे हैं ये सब आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ वन, इट मीन्स द रिफ्लेक्शन कोफिशेंट, वी गेट द वैल्यू ऑफ वन, इट मीन्स व्हेन ई इज़ लेस देन वी ज़ीरो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जब ई का मान वी ज़ीरो से कम होता है, व्हेन ई इज़ लेस देन वी ज़ीरो द रिफ्लेक्शन कोफिशेंट कम्स आउट टू वन, यानी परावर्तन गुणांक का मान एक प्राप्त होता है। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन द स्टेप पोटेंशियल, द पार्टिकल्स, दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन द स्टेप पोटेंशियल विद ई लेस देन वी ज़ीरो इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड, एंड दिस रिजल्ट इज इन अ ग्रे एग्रीमेंट विद द प्रडिक्शन ऑफ क्लासिकल मकैनिक्स, यानी ये वो प्रडिक्शन हुआ जो हम, जैसा कि हमको क्लासिकल मकैनिक्स से प्राप्त हुआ था, कि क्लासिकल मकैनिक्स से क्या प्राप्त हुआ था, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि यदि पोटेंशियल स्टेप की हाइट ज़्यादा है और आने वाले पार्टिकल्स की, जो इंसिडेंट हो रहे हैं पार्टिकल्स, उनकी एनर्जी कम है, तो वो उस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सेकेंड रीजन में नहीं जा पाएंगे, और क्या हो जाएंगे, वहाँ से स्टेप से टकराने के बाद वापस लौट जाते हैं, यानी रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशेंट क्या हो गया, वन। तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, ये वो एग्जैक्ट एग्रीमेंट है जो कि रिज़ल्ट का, जो कि क्लासिकल मकैनिक्स से प्राप्त हुआ था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो अंतर आया है, वो अंतर क्या है,
कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है साइड टू वो हमें प्राप्त हो रहा है. द वैल्यू ऑफ साइड टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये ज़ीरो नहीं है. इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ पार्टिकल हमारे सेकेंड रीजन के अंदर पहुंच जाते हैं और इसे बोलते हैं हम पेनिट्रेशन और लीकेज थ्रू पोटेंशियल बैरियर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जिसे हमने रीजन सेकेंड कहा है, इज़ फाइनाइट. यानी कुछ वैल्यू प्राप्त हो रही है साइड टू की. साइड टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. और उसकी वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है उसकी? उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पी एक्स बराबर है साई स्टार, साई से निकाल सकते हैं हम इसको, ए स्क्वायर 2α अपॉन k प्लस आई अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2α x. सो दिस रिजल्ट इज़ कॉन्ट्रास्ट टू द क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर तो सेकेंड रीजन में जा ही नहीं सकता था पार्टिकल, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार कुछ थोड़ा सा लीकेज होगा. और वो लीकेज कैसा होगा? लीक होने के बाद वो एक्सपोनेंशियली डिके होता चला जाएगा. सो जैसा कि इस चित्र के अंदर आपको दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर आपको हमने इसको क्लेरिफाई किया है कि यदि आपकी एक बीम ऑफ पार्टिकल्स आ रही है तो उसके कुछ पार्टिकल लीक हो जाते हैं, सेकेंड रीजन में पहुंच जाते हैं और वो धीरे 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 एक्सपोनेंशियली डिके हो जाते हैं. सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज पेनिट्रेशन. इसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं. द फिनोमिना ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन सेकेंड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एक्स. जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा वो एक्सपोनेंशियली डिके होता चला जाएगा, क्योंकि जो पेनिट्रेशन है पी एक्स है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस 2α x. अब आता है कि पेनिट्रेशन लेंथ कितनी होगी. द लेंथ ऑफ द पेनिट्रेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा. ये डिपेंड क्या करती है? एल्फ़ा पर डिपेंड करती है. एल्फ़ा किस पर डिपेंड करता है? एल्फ़ा डिपेंड करता है कि वी ज़ीरो और ई के बीच में अंतर क्या है. क्लियर? सो जितना वी ज़ीरो और ई के बीच में अंतर ज़्यादा होगा उतना एल्फ़ा का मान ज़्यादा होगा, उतना ही जल्दी ही वो पेनिट्रेट होने के बाद डिके हो जाएंगे, यानी पेनिट्रेशन लेंथ का मान उतना ही कम होगा. तो ये हो गया आपका आर्टिकल. आज ख़त्म हो जाता है आपका जो है आपका ई इज़ लेस देन वी ज़ीरो, यानी केस फर्स्ट. केस फर्स्ट यहाँ आपका ख़त्म हो जाता है. उसके दोनों रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं. पहला रिजल्ट है आपका द वैल्यू ऑफ आर कम्स आउट टू बी 1, एंड द सेकेंड रिजल्ट इज़ कि फ्यू पार्टिकल्स पेनिट्रेट द सेकेंड रीजन एंड विच डिकेज एक्सपोनेंशियली, एंड द एक्सपोनेंशियल लेंथ डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द पोटेंशियल स्टेप एंड द पार्टिकल्स. तो ये हो गया आपका रिजल्ट, जो आपका फर्स्ट रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया है, ई इज़ लेस देन वी ज़ीरो. नेक्स्ट है आपका केस सेकंड, व्हेन ई इज़ ग्रेटर देन वी ज़ीरो. यदि ई वी ज़ीरो से ज़्यादा है, जैसा कि हमने इस डायग्राम के अंदर दिखाया है, ये आपका पोटेंशियल स्टेप है जिसकी हाइट वी ज़ीरो है, और ये है आपके एम मास के पार्टिकल्स की बीम जिसकी एनर्जी इसकी हाइट से ज़्यादा है. अब क्लासिकल रिजल्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स सारे के सारे क्या होने चाहिए? पार्टिकल्स यहाँ से ट्रांसमिट हो जाने चाहिए, यानी और रिफ्लेक्शन कोफिशेंट का मान क्या आना चाहिए? ज़ीरो. एंड ट्रांसमिशन कोफिशेंट कम्स आउट टू बी 1. लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम इसको चेक करेंगे कि रिफ्लेक्शन कोफिशेंट क्या हमें रिफ्लेक्शन कोफिशेंट का कुछ मान प्राप्त हो रहा है. ठीक है, ये हम चेक करेंगे अगले उसमें डिराइव करेंगे हम कि रिफ्लेक्शन कोफिशेंट और ट्रांसमिशन कोफिशेंट की वैल्यू कितनी है. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस केस को डिस्कस करेंगे. और इसको डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे? ठीक उसी तरह से जैसा कि हमने इसमें किया था, पहले रीजन 1 और रीजन 2 दोनों की श्रोडिंगर इक्वेशन बनाएंगे. बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके हम साई 1 और साई 2, यानी साई 1 हो गया वेव फंक्शन इन रीजन 1 एंड साई 2 इज़ वेव फंक्शन इन रीजन 2, ये दोनों हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. बस इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो एनर्जी है पार्टिकल्स की वो वी ज़ीरो से ज़्यादा है. ठीक है, तो ये केस सेकंड है. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि लंबा आर्टिकल है, तो इसके लिए एक फ़्रेश वीडियो बनाएंगे हम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच.